अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काजू पेड़े की रेसिपी। ये मिठाई की रेसिपी एकदम आसान तरीके से घर पर ही हम रेडी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी जार ले लेंगे और उसके अंदर हम एक कप टुकड़ा काजू ले लेंगे। आप चाहिए तो अक्खे वाले भी डाल सकते हैं। मैंने ये एक कप टुकड़ा काजू ले लिए। अभी इसे हमें मिक्सी जार में डाल देंगे और आधा कप इसमें शक्कर डाल देंगे। अब इसमें आप दो तीन हरी इलायची को खोलकर इसके दाने इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास पाउडर है तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हो। अब काजू को हम मिक्सर बंद चालू करके पीसेंगे। इसे डायरेक्टली एक साथ हमें नहीं पीसना है, बंद चालू करके इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। ये मैंने काजू को पीस के ले लिया है। ये अच्छा सा बारीक पाउडर बन चुका है, पर इसे अब हमें छान लेना है कि इसमें कुछ भी काजू का टुकड़ा रहेगा तो वो निकल जाएगा। एक बाउल ले लेंगे और एक छन्नी रख लेंगे और इसमें काजू के पाउडर को छान लेंगे। छन्नी में हमें चम्मच मार मार के काजू के पाउडर को छान लेना है। अब मैंने ये काजू और शक्कर के पाउडर को अच्छे से छान लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और गैस पर कढ़ाई रख लेंगे। अब इसमें आधा कप हम दूध डाल लेंगे। आपको चाहिए तो इसमें आप पानी भी डाल सकते हो। अब इसमें दो चम्मच हम देसी घी के डाल देंगे। घी डालने के बाद दूध और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम एकदम स्लो हमें रखना है। अब दूध और घी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। अभी इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये अच्छे से मैंने अब मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे काजू का पाउडर। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हमें चम्मच चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपकने लग जाएगा। अब ये हल्का हल्का ठीक होने लगा है, इसे हम हिलाते ही रहेंगे। इसे और ठीक हमें कर लेना है। अब ये और ठीक हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में डालकर चेक कर लेंगे। पहले हम ठंडा कर लेंगे और इसको राउंड करके देख लेंगे। अगर ये हाथ में नहीं चिपके तो हमारा बैटर रेडी है। अब एक बटर पेपर ले लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा हम घी लगा देंगे। घी लगा के इसे अच्छे से हमें स्प्रेड कर लेना है बटर पेपर पर। और अब जो बैटर हमने हमारे काजू का बना के रखा है पेड़े के लिए, वो बैटर को इस पे डाल लेना और इसे पहले हमें ठंडा कर लेना है। अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हल्का सा गर्म है, अब इसके हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे। जो साइज़ के आपको पेड़े बनाना है वो साइज़ के आप इसमें पेड़े बना लीजिए। अब ये राउंड शेप मैंने अच्छे से इसको कर लिया है और बैटर हल्का सा हमारा गर्म है। पहले हम सारे पेड़े बना लेंगे। अब एक कटर ले लेंगे और इससे हम इस पे फ्लावर का शेप लगा देंगे। आपके पास है तो लगाइए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हमारा ये पेड़ा बनकर रेडी है, इसे साइड में रख देंगे और सारे पेड़े बना लेंगे। ये मैंने 5-6 बनाकर रेडी कर लिए। अब ऊपर से थोड़ा सा हम डेकोरेशन कर देंगे। हल्का सा इस पे हम पिस्ता कट करके रख देंगे और ऊपर से एक एक डंडी हम केसर की रख देंगे। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो रखिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा काजू पेड़े बनकर रेडी है। ये रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें, एकदम सिंपल और आसान तरीके से घर पर रेडी हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।